शांति 4 जुलाई 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। आज संडे है, बाबा के साथ पिता के संबंध का अनुभव करते हुए शिव बाबा से शक्तियों का वर्षा लेंगे और ब्रह्मा बाबा से सहनशीलता का वर्षा लेंगे। सारा दिन बाप दादा को अपने साथ रखेंगे। आज की मुरली से जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं शिव बाबा ने बताई, ये ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। इस जीवन में मौजों का आधार है सहनशीलता। तो नंबर वन बनने के लिए ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन किया। इन विशेषताओं को अपने जीवन में मैंने कहाँ तक धारण किया, आइए चेक करेंगे। चाहे कोई दुश्मन हो, क्रोधित हो या अपशब्द की वर्षा करने वाला हो, ब्रह्मा बाबा सदा ही मुस्कुराते रहे और चेहरे पर कभी भी मुरझाएस का चिन्ह दिखाई नहीं दिया। अब चेक करें, ये विशेषता मेरे अंदर है। दूसरी विशेषता, ऐसी दुश्मन आत्मा के प्रति रहम दिल भावना से ही देखते थे, बोलते थे और संपर्क में आते थे। तो अभी अपने आप को साथ साथ चेक करते जाएं और सारा दिन इस बात पर अटेंशन दें, जो आत्मा मेरा विरोध कर रही है, मेरे उसके प्रति रहम की भावना, संबंध, संपर्क रहता है। तीसरा, ब्रह्मा बाबा के यज्ञ में जब ब्रह्मा बाबा थे तो विघ्न डालने वाले भी थे, अपशब्द बोलने वाले भी थे, इवन ब्राह्मण बच्चों के द्वारा भी असंतुष्टता का विरोध भी था। तो ब्रह्मा बाबा में विशेषता थी साइलेंस की पावर से और सहनशीलता की शक्ति से उन आत्माओं को संतुष्ट किया और शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा उन आत्माओं को भी सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो ये विशेषता आज हम अपने अंदर चेक करेंगे। सहनशीलता को धारण करने के लिए आज की मुरली में जो विधि बताई है वो है विस्तार को सार में लाना। तो ब्रह्मा बाबा सदा ही कोई भी विघ्न आता था, उस पत्थर को पहाड़ नहीं बनाते थे, गेंद बनाकर उससे खेलते थे, जो हनुमान की एग्जाम्पल आज मुरली में दी। अर्थात बड़ी बात को छोटा बनाकर स्वयं भी हल्के रहते थे और दूसरों को भी हल्का कर देते थे। तो अपने अंदर इस धारणा को आज विशेष अटेंशन में रखें, कोई भी बात हो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान और योग के सार में स्थित रहते थे। इस स्थिति में स्थित होने के कारण विघ्न के विस्तार को भी सार में ले आते थे। तो ये विशेषता अपने अंदर धारण करेंगे। तीसरी, ब्रह्मा बाबा में विशेषता थी नथिंग न्यू के द्वारा जो भी बड़ी बात होती थी उसको फुल स्टॉप लगाकर, कल्याण की बिंदी लगाकर आगे बढ़ते थे। ये तीन बातें सहनशीलता को धारण करने की है। तो सहनशीलता आने से हमारे अंदर क्या फ़ायदा होगा, जो मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, इससे हम समय भी बच जाएगा, शक्तियाँ भी बच जाएंगी, जिससे सदा ही हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा ही मौज में रहेंगे। और दूसरा, हम ज्ञान और योग के गहराई में जा सकेंगे, जिससे हम सदा ही उछलते नहीं रहेंगे, उछलने वाले सार विस्तार में जाने वाले हैं और सदा ही उड़ती कला में रहेंगे और मौज में रहेंगे, कभी भी किसी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। और ब्रह्मा बाबा की तरह ही हम भी कोई भी बात हो उसको हल्का कर सकेंगे। और बाबा ने कहा ये 14 वर्ष की तपस्या भी 14 घड़ियां लगेंगी, क्योंकि दिल की सच्ची मौज में रहते थे। तो ये विशेषता को आज हम सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। तो मुझे सहनशील बनना है, नंबर वन विशेष आत्मा बनना है, इन बातों को आज हम धारणा में लाएंगे। ओम शांति।